की सांचिंग में हम एक बहुत लग्जेरियस कार को देखते हैं और इस कार से निकलती है हमारी फीमेल लीड शाओ। यहाँ पर शाओ को सभी लोग देखकर ग्रीट करने लगते हैं। फिर यहाँ पर शाओ का असिस्टेंट आता है जो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलता है और कहने लगता है कि ये सारी चीजें हमें पहले ही सील करनी होगी वरना जो मिस्टर गो वाली कंपनी है वो इसे पहले ले जाएगी। यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि हमें ध्यान देना होगा, आजकल गो की कंपनी कुछ ज्यादा ही आगे बढ़े जा रही है और हमें उसे हराना ही होगा। यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि आपने जो प्रेजेंट रेडी करने के लिए बोला था वो रेडी है और ये प्रेजेंट बहुत महंगी और लग्जरियस गाड़ी होती है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे पूछता है कि क्या आप इतनी महंगी गाड़ी शाओ को दोगी। तो फिर यहाँ पर वो बोलने लगती है कि हाँ, और मन में ही शाओ बोलती है कि शाओ मेरा पहला प्यार है तो मैं उसे इतना तो गिफ्ट कर ही सकती हूँ। दूसरी ओर हम शाओ को देखते हैं कि वो किसी और लड़की को प्रपोज कर रहा है तो उसका असिस्टेंट वो देख लेता है। फिर वो शाओ को बोलने लगता है कि कहीं वो मिस्टर शाओ तो नहीं। फिर वहाँ पे वो उसे देखती है जो दूसरी लड़की को प्रपोज कर रिंग पहना रहा होता है। और यहाँ पर शाओ की गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हारी एग्जिस्टिंग गर्लफ्रेंड का क्या होगा। तो फिर शाओ उससे बोलने लगता है कि हाँ, उससे कौन शादी करना चाहेगा, वो तो एकदम गरीब है और कितनी बदसूरत भी दिखती है। इतने में ही पीछे से शाओ आ जाती है और उसे लात मारती है और उसे बोलने लगी है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। यहाँ पर शाओ बोलने लगता है कि तुम्हें पता है मेरी गर्लफ्रेंड कितने बड़े कंपनी ग्रुप की ओनर की बेटी है और उसके पास कितना वेल्थ है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, ऊपर से तुम गाँव से आए हो। फिर यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे बड़ा बुरा बोलने लगती है। यहाँ पर शाओ उसके एक्स बॉयफ्रेंड से बोलती है कि तुमने एक कार के लिए और वेल्थ के लिए मुझे छोड़ दिया हमारे एक साल के रिलेशनशिप को। तो फिर वो लड़का बोलने लगता है कि आजकल की दुनिया में बस पैसा ही चलता है, प्यार का क्या है, वो तो आता जाता रहता है। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी शाओ को सुना रही होती है। तो फिर यहाँ पर शाओ एक बार फिर से उसके एक्स बॉयफ्रेंड को मार देती है और वहाँ से जाने लगती है। इतने में ही एक आई मास्क पहना हुआ आदमी आता है जो उसे टेम्पलेट देता है और कहता है कि अगर आपको सबसे हॉट बंदा मिलना हो जो मिस्टर गू से भी ज्यादा हॉट हो तो फिर आप यहाँ पर आ सकती हो। फिर यहाँ पर शाओ उस जगह पर पहुंच जाती है अपने आंखों वाले मास्क पहनकर और यहाँ पर वो बहुत सारे हैंडसम लड़कों को देखती है और उनकी बॉडी देखकर वो तो सोच में पड़ जाती है कितनी बॉडी इनकी कितनी सेक्सी है। और यहाँ पर वो तीन चार लड़कों को चूज करती है और उसे ऊपर भेज देती है गू के यहाँ पे। और यहाँ पर हमें पुराना वाला सीन दिखाया जाता है जब वो कंपनी में थी और उसका असिस्टेंट उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा था। तब वो उसे बता रहा था कि मिस्टर गू को शायद से लड़कियाँ नहीं पसंद है क्योंकि कुछ टाइम पहले एक सेलिब्रिटी उनके साथ हुकअप करना चाहती थी लेकिन उन्होंने उसका पूरा करियर बर्बाद कर दिया। तो फिर यहाँ पर शाओ को लगने लगा कि गू को लड़कों में इंटरेस्ट है और वो गे है। फिर वहाँ पर से एक लड़का बॉल ड्रिंक किया हुआ जा रहा होता है। तो फिर शाओ उस मैनेजर को बोलती है कि मैं खुद के लिए इस लड़के को चूज करती हूँ। इसके बाद में वो लोग बेडरूम में होते हैं जहाँ पर वो बंदा उसे अपने लैप पर बैठाता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है। तो फिर वो शाओ को अपने से दूर भेज देता है और शाओ चिल्लाकर गुस्से में बोलने लगती है कि तुम तो बस एक मेल मॉडल हो और मैंने तुम्हारे लिए पैसे दिए है। फिर यहाँ पर वो लड़का बोलने लगता है कि सोच लो, तुमने ये डिसीजन खुद से लिया है, मैंने तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं की है। इसके बाद में सीधा हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर सबसे पहले आँख खुलती है शाओ की और शाओ खुद को देखकर रिग्रेट करने लगती है कि मैंने इसके साथ नाइट कैसे स्पेंड कर ली। और यहाँ पर वो फटाक से अपने कपड़े पहनकर चुपचाप निकल जाती है और एक चेक छोड़कर जाती है। फिर बाद में नींद खुलती है गू की और ये वही गू होता है जिससे शाओ मिलना चाहती थी और वो उसका कॉम्पिटिटर होता है। गू उठते ही उसका नाम पढ़ लेता है और यहाँ पर गू को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे ऑक्शन के बारे में बताने वाला होता है। फिर इसके बाद में शाओ वहाँ पर पहुँच जाती है और उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि मुझे तो लगा आप आओगे ही नहीं क्योंकि आप रात को लेट कर गए थे। इसके बाद में वो पूछती है कि ये सब तो ठीक है लेकिन मिस्टर गू आए है क्या। और पीछे ही मिस्टर गू की एंट्री होती है और मिस्टर गू तो आपको पता ही होगा कि कौन है जिसके साथ में उसने अपनी रात स्पेंड की है। और यहाँ पर शाओ उसे देखते ही अपना मुंह छुपाने लगती है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि वही मिस्टर गू है। लेकिन फिर उसे लगने लगता है कि क्या पता ये गू नहीं बल्कि कोई और हो। तो फिर वो उसे कोपचे में ले जाती है और उसे बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए वो इनफ नहीं थे क्या जो तुम मेरा पीछा करने लगे। तो वो उसे एक और चेक देकर चली जाती है और यहाँ पर गू को समझ में आ जाता है कि वो वही लड़की है जिसके साथ गू ने नाइट स्पेंड की थी। फिर यहाँ पर वो अंदर चली जाती है तो गू को
तो गु अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मैं अंदर नहीं आ सकता, मैं चाहता हूँ कि ऑक्शन में तुम अंदर जाओ और उसे जीत कर आ जाओ। फिर यहाँ पर हम एक स्नूकर वाला सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर गु वो चेक को देख रहा होता है। फिर उसका फ्रेंड उसके बारे में बोलने लगता है तो फिर वहाँ पर मिस्टर गु बोलता है कि कई बार हम देखते हैं कि लड़का हमेशा पैसे खर्च करता है लड़कियों पे, लेकिन जब लड़कियाँ लड़कों पर पैसे खर्च कर रहे तो वो कितना अच्छा लगता है। और दूसरी ओर हम यहाँ पर शाओ को भी देखते हैं। शाओ यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ आई होती है और वो लोग उस रात के बारे में बात कर रहे होते हैं। शाओ को पता नहीं होता कि मिस्टर गु उसकी सारी बातें सुन सक रहे थे और यहाँ पर मिस्टर गु बोलने लगते हैं, अब इसने मेरा बहुत मजाक उड़ा लिया, अब मुझे वहाँ पर जाकर उसे बोलना ही होगा। और यहाँ पर जैसे ही वो उसके पास जाता है तो फिर शाओ अपना फेस छुपाने लगती है और यहाँ पर वो उसे कन्फ्रंट करती है। लेकिन इतने में उन दोनों को उनके पेरेंट्स का कॉल आता है जो उन्हें जल्दी घर पर बुला रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों की शादी फिक्स हो गई थी। यहाँ पर शाओ अपने घर पर आके मॉम डैड को समझा रही होती है कि वो मिस्टर वैन के ग्रैंडसन से शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसने उसे कभी देखा ही नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी बात ही नहीं सुनते। फिर यहाँ पर शाओ एक इवेंट में गई होती है और इस इवेंट में वो देखती है कि मिस्टर वैन के ग्रैंडसन की जो मामा है उसका हाथ पकड़ा हुआ है गु ने, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वही उसका बेटा है। और यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि तुम ऐसे कैसे किसी के भी साथ फ्लर्ट कर सकते हो, तुम्हें पता भी है अगर उनके हस्बैंड को पता चला तो तुम मारे जाओगे। यहाँ पर मिस्टर गु से कुछ नहीं बोलता। इतने में ही एंट्री होती है शाओ के एक्स बॉयफ्रेंड की और उसकी गर्लफ्रेंड की। यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि तुम तो इतने हैंडसम दिखते हो तो फिर तुम इस गांव वाली लड़की के साथ क्या कर रहे हो। यहाँ पर शाओ से बोलती है कि तुम अपना बू बंद रखोगी तो बहुत बेहतर होगा और यहाँ से चली जाओ। यहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी उन दोनों की बुराइयां करने लगता है और वो बोलने लगता है कि क्या तुम मुझ पर इस बंदे के साथ में चीट कर रही थी। और यहाँ पर वो उस पर हाथ उठाने वाला होता है लेकिन इसके पहले ही मिस्टर गु उसका हाथ पकड़ लेते हैं। फिर यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड बोलने लगती है कि तुम्हें तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो फिर शाओ बोलती है कि ठीक है एक काम करो, सिक्योरिटी को बुला लो और मुझे यहाँ से निकलवा दो। लेकिन वो सिक्योरिटी को नहीं बुलाती क्योंकि उसे लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसके डैड को पता चल जाएगा कि वो यहाँ पर नाटक और बखेड़ा क्रिएट कर रही है। तो फिर यहाँ पर शाओ से बोलने लगती है कि क्यों अब तुम्हारी बोलती बंद हो गई। लेकिन यहाँ पर इतने में ही उसके डैड आ जाते हैं तो वो अपने डैड को प्यारे प्यारे और बुली तरीकों से बोलने लगती है कि ये मुझे कब से बुली कर रही है, इसे अभी यहाँ से निकालिए। तो उसका डैड बोलने लगता है कि मुझे पता है तुम जैसे लोग कैसे होते हो, तुम इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज में आते हो और सेलिब्रिटीज को अपने चंगुल में फंसा लेते हो और फिर उनसे पैसे निकलवाते हो। यहाँ पर शाओ सोचने लगती है कि ये मैनेजर तो नया लगता है। तो फिर वो फोन में किसी को कॉल लगाने वाली थी लेकिन उसके एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड का डैड उसका फोन नीचे फेंक देता है। और यहाँ पर गु गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। और शाओ तो यहाँ पर उस बंदी को ही थप्पड़ मार देती है। फिर यहाँ पर उसका डैड उसे मारने के लिए आगे आता है लेकिन इतने में ही वाइस प्रेसिडेंट ली आ जाते हैं और यहाँ पर प्रेसिडेंट ली सीधा थप्पड़ मार देते हैं उसके डैड को ही। और यहाँ पर वो माफी मांगने लगते हैं शाओ से और फिर उसके एक्स बॉयफ्रेंड को पता चल जाता है कि शाओ इतने बड़ी कंपनी को ओन करती है। तो फिर वो उसे बोलने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, इस लड़की ने मुझे जानबूझकर सड्यूस किया और तुमसे दूर किया। लेकिन यहाँ पर शाओ उसकी एक बात भी नहीं सुनती और सिक्योरिटी को बुला के उनके हवाले कर देती है और उन दोनों को वहां से बाहर निकाल देती है। यहाँ पर उसको ले जाने के बाद शाओ उसको बोलने लगती है कि मुझे लगता है तुम्हें कोई नया जॉब ढूंढ लेना चाहिए, मेल मॉडल बनना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बात नहीं है। फिर यहाँ पर गु को समझ आने लगता है कि इसे तो पता ही नहीं है कि मैं मिस्टर गु हूँ। फिर यहाँ पर शाओ मिलती है मिस्टर वैंग से जिसके ग्रैंडसन के साथ उसकी शादी होने वाली है। और यहाँ पर मिस्टर वैंग बोलने लगते हैं कि तुम्हें पाकर तो मैं बहुत खुश हूँ, तुम तो मेरी बहुत अच्छी डॉटर इन लॉ बनने वाली हो और इस दिन का मैं वेट नहीं कर सकता। और यहाँ पर शाओ स्वीट्स और ऑरेंज जूस पीने और खाने वाली होती है लेकिन न जाने की उसकी स्मेल से उसे उल्टी आने लगती है। तो बाजू से एक प्रेग्नेंट लेडी जा रही थी तो फिर उसे लगने लगता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। फिर यहाँ पर मिस्टर गोस के डॉक्टर फ्रेंड से मिलने आता है और वो लोग बातें करने लगते हैं लेकिन इतने में ही दरवाजा खुला होता है तो फिर भाग कर वहाँ पर आ जाती है शाओ और उसे बोलने लगती है कि प्लीज आप मेरी रिपोर्ट देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पेट में क्या प्रॉब्लम है। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर बोलने लगता है कि तुम तो प्रेग्नेंट हो
और ये चीज गोभी सुन लेता है और वो शॉक हो जाता है। फिर यहाँ पर वो अपने फ्रेंड से कार में मिलती है, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे बोलने लगते हैं कि आखिर तुम अभी क्या करोगी और तुम उस लड़की को कैसे ढूंढ के उससे शादी करोगी। लेकिन यहाँ पर हमारी शव बोलने लगती है कि शादी उसकी क्या जरूरत है, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने बेटे या बेटी को खुद से भी पाल सकती हूँ, मुझे किसी लड़के की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट डे शव डॉक्टर के पास सप्लीमेंट्स लेने आई होती है क्योंकि उसे अबॉर्शन नहीं कराना होता। लेकिन यहाँ पर गू को लगता है कि वह अबॉर्शन कराने आई है, तो वो फटाक से अंदर बाहर आके बोलता है कि प्लीज अबॉर्शन मत करवाओ, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन यहाँ पर वो उसे मना कर देती है और बोलने लगती है कि मेरे पास ऑलरेडी मेरा फियांसे है। यहाँ पर वो झूठ बोल रही थी, लेकिन इतने में उसका फ्रेंड आ जाता है, तो वह ऐसे नाटक करने लगती है कि जैसे उसका फ्रेंड ही उसका फियांसे हो, और फिर वो उसके साथ चली जाती है। फिर यहाँ पर गु उसका पीछा करते हुए जाता है, तो यहाँ पर शाह बोल देती है कि मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, मुझे पता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, ताकि मेरे पैसे तुम्हारे हो सके। लेकिन मैं बता दूँ कि मैं ऐसी औरत नहीं हूँ और मैं अपने बच्चे का अकेले ख्याल रख सकती हूँ, तो तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर वो उसका पीछा करने वाला था, लेकिन उसका फ्रेंड उसे आके बोलने लगता है कि ज्यादा घाई मत करो, कल वो वापस अपॉइंटमेंट के लिए आने ही वाली है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शाओ आई होती है गु के कंपनी में, और गु नीचे अपने असिस्टेंट के साथ ही होता है। तो जैसे ही वो शाओ को देखता है, वो खुद का मुंह छुपाने लगता है। तो शाओ यहाँ पर आ जाती है, तो गु ऐसा एक्टिंग करने लगता है कि उसका असिस्टेंट उसका बॉस है और वो उसका असिस्टेंट है। यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने वाली थी, लेकिन गु से बोलने लगता है कि ऐसा मत करो, मुझे लगता है कि मिस्टर गु बहुत अच्छे इंसान है, तो तुम्हें उनसे एक बार मिल लेना चाहिए, उनका कैबिन आगे से फर्स्ट रूम में है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और वो अपनी सीट पर असिस्टेंट को बैठे हुए देखता है, और उसका असिस्टेंट तो उसे अब देखकर शॉक हो जाता है और डर सा भी जाता है। और यहाँ पर वो उसे कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 1 में जाने के लिए बोलता है, जहाँ पर शाह आने वाली है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बोलता है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आप सारी सच्चाई क्यों नहीं बता देते। लेकिन यहाँ पर गु कुछ बोलता नहीं, तो उसके असिस्टेंट को लगता है कि उसे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। फिर यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम में गु और उसका असिस्टेंट चला जाता है, तो फिर शाह पूछने लगती है कि ये न्यू कमर यहाँ पर क्या कर रहा है। तो फिर उसका असिस्टेंट बोलने जाता है कि हमारा प्रेसिडेंट बहुत बड़े दिल का इंसान है, तो वो चाहता है कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट हमारे न्यू कमर को दिया जाए और देखा जाए कि आखिर वो काम कैसे करता है। फिर उसके बाद में वो लोग जब बाहर जाने लगते हैं, तो उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि न जाने कैसे उसने काम न्यू कमर को दे दिया, और ये बात गु सुन लेता है। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं, वहाँ पर खड़ा होता है जाओ, जो बहुत अच्छा सा फ्लावर का बुके लाया होता है शाओ के लिए, और वो उसे माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन शाओ यहाँ पर अपने बॉडीगार्ड से बोलती है कि इसे अभी के अभी यहाँ से लेकर चले जाओ। इसके बाद में जाओ वापस से आ जाता है और वो एक पेन ड्राइव लेकर आता है और उसे बोलने लगता है कि मैं तुम्हें अभी ही बता रहा हूँ, मुझसे अच्छे से बात कर लो, वरना ये रिकॉर्डिंग जो है इसमें बहुत सारे तुम्हारे प्राइवेट फोटोज भी है और मैं इसे लीक कर दूंगा। दूसरी ओर गु उसकी ये वीडियो निकाल रहा होता है और वो उसे दिखाकर बोलने लगता है कि ये वीडियो मैंने निकाल दिया और ये प्रूफ है कि तुम उसे धमकी दे रहे हो बहुत गंदे तरीके से, और ये वीडियो मैंने मेरे लॉयर को सेंड कर लिया। अब जब वो तुम्हें कॉल कर बुलाएगा तो तुम्हें जाना पड़ेगा, और तुम नहीं गए तो पुलिस तुम्हारे घर आ जाएगी। यहाँ पर गुस्से में आके जाओ उसे मारने वाला था, लेकिन यहाँ पर तो गु ही उसे मार देता है। इसके बाद में गु होता है हमारी शाओ की कंपनी में और वो वहाँ पर पार्ट टाइम वर्क कर रहा होता है। यहाँ पर वो शाओ के लिए ओट्स बना रहा होता है, तो बाजू में बैठी तो फीमेल वर्कर्स बोलने लगती है, ये कितना हैंडसम है, कोई भी ऐसी गर्लफ्रेंड बनेगा तो वो कितना लकी होगा। और यहाँ पर उनकी बात सुन लेती है शाओ, तो शाओ फिर गु को अपने कैबिन में प्राइवेटली बात करने के लिए बुलाती है, और यहाँ पर उन दोनों की टक्कर हो जाती है और उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन बन जाता है। फिर यहाँ पर दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही शाओ बाहर निकलती है, तो उसकी दो फीमेल एम्प्लॉयज कान लगा कर सुन रही होती है, तो शाओ उन्हें घूरने लगती है। फिर वो दोनों उसे माफी मांगकर चले जाते हैं। दूसरी ओर वो लोग जब मीटिंग में जा रहे होते हैं, तो फिर गु देख लेता है कि शाओ वहाँ से आ रही है, तो फिर गु अपना और उसके असिस्टेंट का मुंह छुपा लेता है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि आखिर कब तक आप उनके साथ ऐसा काम करते रहोगे, हमारी कंपनी का क्या होगा, हमारी कंपनी छोड़ो आपकी हेल्थ का क्या होगा। यहाँ पर फिर से हम ऑफिस वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर शाओ बैठ कर काम कर रही होती है और एक बार फिर गु आ जाता है उसके लिए मील लेकर और उसे बोलने लगता है कि ये तुम खाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्दी है। यहाँ पर फिर वो उसे अपना प्रोजेक्ट दिखाता है और उसे वो बोलने लगती है कि ऐसा प्रोजेक्ट तो कोई एक बड़ा बॉस ही बना सकता है। उसे लगने लगता है कि शायद से वो पकड़ा गया।
इतने में ही वहाँ पर शाव का फ्रेंड आकर बोलने लगता है कि प्रॉब्लम हो गई, तुम्हारे डैड को सारी सच्चाई पता चल गई और तुम्हारे डैड यहीं पर आ रहे हैं। इतने में ही उसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ पर शाव सबको बाहर जाने के लिए बोलती है, लेकिन गु बाहर जाने से मना कर देता है। तो शाव गु को बोलने लगती है कि अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, और अगर तुमने मेरे मॉम डैड को बताया कि तुम इस बच्चे के डैड हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर उसके डैड बोलने लगते हैं कि अभी के अभी मुझे उस लड़के का नाम बताओ, मैं उस लड़के को टुकड़ों में काट के रख दूंगा। और ये दोनों बातें सुन रहे होते हैं बाहर उसका फ्रेंड और गु, और वो दोनों ये बात सुनकर डर जाते हैं। फिर इसके बाद में वो दोनों कंपनी में होते हैं, जहाँ पर गु अपने ग्रैंडपा को कॉल कर बोलता है कि मुझे एंगेजमेंट कैंसिल करनी है, और उसका ग्रैंडपा उसे बोलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है तो हमें एंगेजमेंट कैंसिल ही करनी होगी। यहाँ पर इसके बाद में वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फिर वो डॉक्टर उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसकी रिपोर्ट किसी और के साथ में अलग बलग हो गई थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रियलिटी में तो शाव प्रेग्नेंट ही नहीं है। उसे इतना बड़ा दुख पहुँचता है, लेकिन यहाँ पर गु को शांति मिलती है। यहाँ पर गु से बोलने लगता है कि तुम नाराज मत हो, क्या पता एक साइन है ये, अगर तुम मुझे मौका दोगी तो। इतना बोलते ही उन दोस्त के पेरेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पर वो उसे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो अपने पेरेंट्स को सारी सच्चाई बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। यहाँ पर उसका डैड बोलने लगता है तो फिर ये सब क्या हो रहा था, तो फिर शाव सारी चीजें एक्सप्लेन करने लगती है। तो उसके मॉम डैड उसे बोलने लगते हैं कि अब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो हमें शादी वापस से शुरू करवा देनी चाहिए। यहाँ पर शाव एक बार फिर से टेंशन में आ जाती है। दूसरी ओर गु घर पर जाता है, जहाँ पर उसकी सिस्टर उसका वेट कर रही होती है और उसे बोलने लगती है कि ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि तुम आज देरी से घर पर आए हो। और यहाँ पर गु उसे दो मूवी के टिकट्स देता है। फिर यहाँ पर वो बोलने लगती है कि ठीक है जाओ अंदर, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगी। इसके बाद में वो जैसे अंदर जाता है, एक कांच का टुकड़ा वहाँ पर गिर जाता है। फिर बाद में सीन सीधा स्विच हो जाता है, जहाँ पर हम शाव को और उसके असिस्टेंट को देखते हैं। और यहाँ पर शाव वो वॉच लेने का सोच रही होती है, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। इतने में ही वहाँ पर गु आ जाता है और शाव गु के वॉच को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो ठीक वही वॉच होता है जो शाव को लेना होता है, और वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। यहाँ पर वो सोचने लगती है और उसे पूछती भी है कि आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आया। तो फिर गु बहाने मारने लगता है कि ये रियल वॉच थोड़ी ना है, ये तो फेक वॉच है, मैंने तो बाजार से खरीदी है, बाय वन गेट वन फ्री में मिल रही थी। तो यहाँ पर हम उसके ग्रैंडपा को और गु को बात करके हुए देखते हैं, जहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसे समझा रहे होते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स अब नहीं रहे और सारी जिम्मेदारी तुम्हारी मुझ पर है, तो क्या तुम लाइफ टाइम सिंगल रहोगे। यहाँ पर वो वापस से मैरिज की बात करता है और कहने लगता है कि प्रेगनेंसी वाली बात मिसअंडरस्टैंडिंग थी। यहाँ पर गु सोचने लगता है कि यहाँ पर तो शाव भी प्रेगनेंट थी और उसकी प्रेगनेंसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो ये दोनों चीजें कोइंसिडेंस कैसे हो सकती है। यहाँ पर उसका ग्रैंडपा उसे फोटो देता है उस लड़की की, लेकिन वो फोटो एक बचपन की होती है, तो यहाँ पर तो गु को पता ही नहीं चलेगा कि वो तो शाव है। यहाँ पर फिर उसका असिस्टेंट उसे फाइल्स लेकर आ जाता है और कहने लगता है कि आपने जो पिक दिया था उसके बेसिस पे हमने बहुत सारी लड़कियों को ढूंढा है, तो क्या पता इनमें से कौन सी आपकी वाइफ होने वाली है। यहाँ पर गु उसके ऑफिस में होता है, तो फिर शाव उसको खांसी आने लगती है, तो फिर वो उसे कंट्रोल करवाती है, लेकिन यहाँ पर उसके फाइल में से वो बचपन वाला फोटो निकल जाता है। लेकिन उस फोटो के ऊपर गलती से शाव कॉफी गिरा देती है और वो फोटो में से फेस निकल जाता है। यहाँ पर शाव से माफी मांगती है, लेकिन गु से बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। यहाँ पर फिर वो लोग फोटोशॉप में जाते हैं और वहाँ पर फोटोग्राफर बोलता है कि इस पिक को तो मैं बहुत जल्दी रिकवर कर सकता हूँ। दूसरी ओर से आ जाती है गु की बहन, जो गु को देखकर बोलने लगती है कि तुम्हारी फियांसी है और यहाँ तुम किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। यहाँ पर वो उसे पैसे मांगने लगती है, तो गु उसे पैसे दे देता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और ये सारी चीजें शाव देख लेती है, तो शाव को लगने लगता है कि गु कितना अच्छा इंसान है, वो गरीबों की मदद कर रहा है। यहाँ पर इसके बाद में सभी लोग एक लंच पर जाते हैं और वहाँ पर गु उसको बाहर लेकर आता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली वाइन पी रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि सभी के सामने उसका भांडा फूट जाएगा। यहाँ पर एक वेटर आता है जो गु को पहचान लेता है, तो वो चार पांच लड़कियों को लेकर आता है। यहाँ पर गु उसे पद भेज देता है सभी लड़कियों को, तो फिर यहाँ पर शाव सोचने लगती है कि मुझे लगता है कि अंदर आज मिस्टर गु आने वाले हैं और वो शायद लड़कों को प्रेफर करते हैं ना कि लड़कियों को, तो मेरा शक सही था कि वो गे है।
यहाँ पर फिर एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है जो सभी शेयर होल्डर्स और प्रेसिडेंट के बीच में होती है। यहाँ पर लियू करके एक डायरेक्टर होती है जो बोलने लगती है कि अभी हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि न जाने क्यों हमारी कंपनी थोड़ी लो पर चल रही है। तो दूसरा वाला भी बोलने लगता है कि हाँ हमारा प्रेसिडेंट थोड़ा सा अगली है, अगर वो देखने में थोड़ा अच्छा होता तो फिर हमें अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते। तो फिर यहाँ पर गू को समझ आ जाता है कि सभी लोग चाहते हैं कि इस कंपनी का प्रेसिडेंट चेंज हो जाए। तो वो उन लोगों को मुंह पर बोल देता है कि अगर प्रेसिडेंट चेंज करना है तो अभी ही बता दो। फिर यहाँ पर सभी लोग बोलने लगते हैं कि हमें प्रेसिडेंट से खुशी नहीं है, हमें एक अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए और वो अच्छा इंसान भी नहीं है। फिर यहाँ पर गू एक पेन ड्राइव लगाता है लैपटॉप में और सबको दिखाने लगता है और एक एक करके सभी गलतियाँ बताने लगता है। यहाँ पर वो डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर वो और उसके असिस्टेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर गू उसके असिस्टेंट को बोलता है कि क्या तुम भी चाहते हो प्रेसिडेंट चेंज हो जाए। तो फिर उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि नहीं। इसके बाद में हम देखते हैं कि शाओ अपनी फ्रेंड के पास डॉक्टर के पास जाती है और यहाँ पर उसकी फ्रेंड डॉक्टर को देखकर पहचान जाती है और बोलने लगती है कि ये तो स्कूल में हमारा फ्रेंड हुआ करता था, साथ ही मिस्टर गो का भी फ्रेंड है। इसके बाद में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर शाओ घर पर होती है और उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है। फिर उसकी मॉम शादी को लेकर बातें करने लगती है और पूछने लगती है कि मिस्टर गो कैसा है। यहाँ पर शाओ भागने लगती है तो उसकी मॉम बोलने लगती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर बहाने मार के जा रही हो, लेकिन मैं तुम्हारा ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी, ये लो और जाकर उससे मिल लो और अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा आगे बढ़ाओ। इसके बाद में शाओ अपने बेडरूम में आती है और वो अपनी कैट के साथ आती है और वो मून को देखकर सोचने लगती है कि मून कितना प्रिटी है। यहाँ पर गु ऑफिस में होता है तो फिर उसकी सिस्टर उसे कॉल करती है और बोलती है कि ग्रैंडपा को चाहिए आप यहाँ पर आओ ताकि हम सब लंच कर सके। यहाँ पर गु को पैर में चोट लग गई होती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। तो फिर यहाँ पर शाओ से मिलने आई होती है, लेकिन शाओ से पहले उसकी बहन अंदर चली जाती है और शाओ को लगने लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो फिर शाओ गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और इतने में ही उसका वो डॉक्टर वाला फ्रेंड उसे देख लेता है। तो वो फटाक से चला जाता है गु के पास और वो गु को बताने लगता है कि यहाँ पर शाओ आई थी, लेकिन न जाने क्यों वहाँ से वो चली गई। और फिर यहाँ पर गु बिना अपने पैरों में शूज पहने भागता हुआ उसे रोकने के लिए चला जाता है, लेकिन वो देखता है तो वो कब की कार में बैठ चुकी थी और वो उसे रोकता तो है लेकिन उसकी कार निकल जाती है। यहाँ पर उसका डॉक्टर बोलने लगता है कि लगता है वो तुम्हारे नसीब में ही नहीं है और तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा ही तुम्हें प्रॉब्लम्स दे रही है। यहाँ पर फिर नेक्स्ट जब वो ऑफिस में होती है तो उसका असिस्टेंट आता है जो उसे न्यूज दिखाने लगता है। यहाँ पर शाओ को कुछ समझ नहीं आता तो उसका असिस्टेंट उसे बोलने लगता है कि न्यूज में सारी बातें फैल चुकी है कि मिस्टर गु शादी करने वाले है। यहाँ पर शाओ बोल रही है कि ये तो गे था, फिर इसे लड़कियों में कैसे इंटरेस्ट आने लगा, न जाने वो उस लड़की का ख्याल ढंग से रख पाएगा या फिर नहीं, बट वो शादी किससे कर रहा है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि वो यंग फैमिली की एक बेटी से शादी कर रहा है। यहाँ पर शाओ बोलने लगती कि ठीक है, यंग फैमिली भी कुछ कम नहीं, वो बहुत ज्यादा अच्छी फैमिली है, अच्छी बात है, मिस्टर गु कुछ ज्यादा ही लकी है। यहाँ पर गु आ जाता है अपने ऑफिस में जहाँ पर वो वास देखता है तो फिर वो पूछता है कि ये वास किसने भिजवाया। तो उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि ये भिजवाया है मिसेस शाओ ने आपकी एंगेजमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करने। तो गु बोलने लगता है एंगेजमेंट और मेरी, ये कब हुआ। इतने में ही उसे कॉल आ जाता है उसके ग्रैंडपा का जो उसे चिल्ला रहे होते हैं कि एक तो मैंने तुम्हारी शादी ऑलरेडी अरेंज की है तो फिर तुम न जाने कौन सी यंग फैमिली की बेटी से शादी करने वाले हो। यहाँ पर वो बोलता है कि ग्रैंडपा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं अभी अभी न्यूज को क्लियर करता हूँ। और यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि ये सब मैंने किया है, मुझे लगा कि अगर ऐसे अफवाह फैलने लगेगी तो यंग ग्रुप और हमारा एक कोलैबोरेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा चल रहा है। तो फिर गु से चिल्ला कर बोलता है कि अभी अभी जाओ और ये सारी चीजें क्लियर आउट करो। दूस चीयर होती है शाओ जो अपने फ्रेंड्स के साथ में ड्रिंक्स कर रही होती है। यहाँ पर उसका फ्रेंड बोलता है कि मिनी का तो समझ में आता है उसका ब्रेकअप हुआ है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों इतना ड्रिंक कर रही हो, तुम्हारा भी ब्रेकअप हुआ है क्या। इतने में ही उसी सेम रेस्टोरेंट में आ जाता है गु जो मिसेस यांग ग्रुप की कंपनी की डॉटर को लेकर आता है और उसे सॉरी बोलता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया ताकि मैं तुम्हें सॉरी बोल पाऊँ तुम्हारी इमेज खराब करने के लिए। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि मैं माइंड नहीं करती अगर कुछ भी हो जाए तो। यहाँ पर शाओ कॉल लगाने लगती है गु को और वो भी वीडियो कॉल, लेकिन वो जैसे वीडियो कॉल पे वो बैकग्राउंड देखती है वो पीछे मुड़कर देखती है और वो होता है गु।
और यहाँ पर वो उसके पास आकर यांग को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है मिस्टर गु और उसके एंगेजमेंट के लिए। यहाँ पर फिर वो भाग जाती है। वो पीछे पीछे गु वहाँ पर चला जाता है। शाओ से चिल्लाकर बोलने लगती है कि अगर तुम्हें पता था उन दोनों की शादी होने वाली है तो पहले मुझे क्यों नहीं बताया, इससे अच्छा था कि तुम्हारे पहला वाला जॉब ही करते मेल मॉडल होने का। फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर गु बोलने लगता है कि तुम कितना भी गुस्सा कर लो मैं हमेशा तुम्हें पसंद करता रहूंगा। यहाँ पर फिर शाओ अपने फ्रेंड के साथ होती है और वो लोग बातें कर रहे होते हैं तो उसकी फ्रेंड उसे बोलने लगती है कि तुम गु पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं कर रही। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि न जाने क्यों बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि गु कोई तो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे याद दिलाती है कि मैं तुम्हें याद दिला दूँ तुम्हारा फियांसे ऑलरेडी है तो तुम किसी और के साथ फ्लर्ट कैसे कर सकती हो। तो शाओ बोलने लगती है कि हाँ वो फियांसे जिससे आज तक मैं मिली ही नहीं और ना ही मैंने उसे कभी देखा हो। फिर यहाँ पर उसकी फ्रेंड जाती है और उसके फियांसे का नंबर ढूंढ कर लाती है तो फिर शाओ उसे कॉल लगाती है लेकिन पहली बार में तो कोई कॉल पिक नहीं करता। फिर उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि सेकेंड टाइम कॉल कर देखो और यहाँ पर कॉल पिक कर लेता है गु जो बोलने लगता है कि हाँ कौन बोल रहा है। फिर यहाँ पर शाओ को लग रहा होता है कि उसने आवाज कहीं तो सुनी है। फिर शाओ अपने आप को बोलने लगती है कि मैं तुम्हारी फियांसी बात कर रही हूँ क्या हम मिल सकते हैं। यहाँ पर वो लड़का बोलने लगता है कि आपने पुलिस स्टेशन में कॉल किया है और वो कॉल कट हो जाता है। यहाँ पर गु सोचने लगता है कि न जाने क्यों हर किसी लड़की की आवाज मुझे शाओ जैसी लगने लगी है। फिर यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि आप कुछ ज्यादा ही उनके प्यार में पड़ गए हो सकता है आप उन्हें अभी मिस कर रहे हो तो आप उन्हें मिलकर ही आ जाओ ना। और यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि एक काम करो मेरी फियांसी के साथ मेरी एक मीटिंग करवाओ और मेरे लिए शॉर्ट्स और गंजी लेकर आ जाना ताकि मैं इतना गंदा बन के जाऊँ कि मुझे वहीं के वहीं रिजेक्ट कर दे फिर मैं शाओ के साथ लाइफ टाइम खुश रहूंगा। यहाँ पर शाओ अपने एक कोलैबोरेटिव कंपनी वाले ओनर से मिलने आई होती है जिसका नाम ली होता है और वो लोग गोल्फ खेल रहे होते हैं। यहाँ पर ली शाओ के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे बहुत गंदी नजरों से देखता है। यहाँ पर शाओ को समझ आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। फिर जब शाओ के हाथ में गोल्फ का स्टिक आता है तो वो ली को बोलने लगती है कि तुम मुझे तो अच्छे से गोल्फ खेलने नहीं आता मुझे माफ कर देना अगर मैं हार जाऊँ तो। फिर यहाँ पर शाओ जैसे ही स्टिक उठाती है वो जानबूझकर उसके कंधे पर पीठ पर और पैर पर मार देती है। यहाँ पर ली बोलने लगता है कि तुम तो जानबूझकर कर रही हो। तो शाओ बोलने लगती है कि नहीं मेरे से तो गलती से हो गया मुझे तो गोल्फ स्टिक पकड़ना भी नहीं आता। फिर वो उसे पकड़ना सिखा रहा होता है लेकिन एक बार फिर से उसे लग जाती है। फिर यहाँ पर आ जाता है गु तो फिर यहाँ पर उन दोनों में बैट लग जाती है कि कोई भी इस मैच को जीतेगा तो फिर वो हारने वाले को 5 मिलियन वॉन देगा। फिर यहाँ पर वो लोग झगड़ने लगते हैं और उनमें मैच शुरू हो जाता है और यहाँ पर गु जानबूझकर हार जाता है। फिर यहाँ पर वो ली अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और उन सबको गिरफ्तार करने को बोलता है लेकिन यहाँ पर गु के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और वो इतने ताकतवर और इतने ज्यादा होते हैं कि वो लोग मिस्टर ली को वहाँ से लेके चले जाते हैं। फिर यहाँ पर शाओ से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तो वो उसे बताने लगता है कि मैं भी अपने कुछ काम की वजह से यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद में वो लोग जाने लगते हैं जहाँ पर शाओ का असिस्टेंट उसे बोलने लगता है कि आपको नहीं लगता कि गु कुछ ज़्यादा ही होशियार और स्किल्ड पर्सन है न जाने उसको क्यों सारी चीज़ें आती है और जिस तरीके से वो गोल्फ खेल रहा था ऐसा लग रहा था कि उसे गोल्फ बहुत पहले से ही खेलने आती है। और यहाँ पर शाओ मुस्कुराने लगती है क्योंकि उसे गु का ये अंदाज बहुत पसंद है। यहाँ पर गु एक फ्लावर का बुके लेकर आया होता है लेकिन उसे अर्जेंट कॉल आता है तो उसे अपने कंपनी में जाना होता है तो फिर वो फ्लावर रिसेप्शनिस्ट को दे देता है। फिर यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट शाओ को फ्लावर देने आती है क्योंकि शाओ अपने बिल्डिंग में ही खड़ी होती है लेकिन शाओ उस फ्लावर पर नोट पढ़कर उस फ्लावर को नहीं लेती। फिर यहाँ पर जब शाओ अपने कैबिन में जा रही होती है तो उसका लंच आ जाता है और उसके लंच के ऊपर भी एक नोट होता है और उस नोट को देखकर शाओ उस लंच को नहीं लेती। और यहाँ पर हम देखने लगते हैं कि रात को वो बार में जाती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे बता रही होती है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था लेकिन ब्रेकअप के बाद में वो मेरी केयर करने लगा मेरे पीछे पड़ गया तो फिर मैं उससे हाँ बोल दी वापस से। यहाँ पर शाओ तो सोचने लगती है कि मैं तो रिलेशनशिप में नहीं थी फिर भी मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही है। और यहाँ पर उन दोनों की बातों को सुन रही होती है जाओ की गर्लफ्रेंड और यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि तुम्हारा उस मेल मॉडल के साथ कैसे चल रहा है। तो शाओ वहाँ पर कुछ नहीं बोलती और उदास हो जाती है और जाओ की गर्लफ्रेंड आकर जाओ को सारी बातें बताने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जाओ के डैड को उसी कंपनी से निकाल दिया गया था उसके मिसबिहेवियर के लिए
इसलिए उसे वेट्रेस का जॉब करना पड़ रहा था। और यहाँ पर जाओ बहुत ज्यादा ही ड्रिंक किया जा रहा था। यहाँ पर जाओ न जाने क्यों उसकी गर्लफ्रेंड पे गुस्सा होता रहता है। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे सारी बातें बता देती है, तो जाओ सोचने लगता है कि ये उसके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि वो अभी सैड है, तो अगर वो शाओ के पास जाएगा तो शाओ उसे अपना लेगी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे शाओ जैसे ही अपने ऑफिस में आती है, तो एक बार फिर से रिसेप्शनिस्ट उसके लिए फ्लावर लेकर आई होती है, और उसे समझ जाता है कि ये फ्लावर कोई और नहीं बल्कि कोई उसे दे रहा है। तो फिर वो उन फ्लावर्स का फोटो निकाल कर गू को भेज देती है और लिख देती है कि अभी सारे फ्लावर्स जाने वाले हैं डस्टबिन में, तो फिर मुझे अब से फ्लावर मत भेजना। गू उसे टेक्स्ट पर लिखता तो है कि मैंने ये फ्लावर बहुत मुश्किल से चुने हैं, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन यहाँ पर शाओ अपने रिसेप्शनिस्ट को बोलती है कि अभी भी इस फ्लावर को फेंक दो, और नेक्स्ट टाइम से अगर कोई भी फ्लावर आए तो उन्हें भी उसके मुंह के सामने फेंक देना। इसके बाद में शाओ जब घर जा रही होती है तो पीछे से आ जाता है जाओ और बोलने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा फेवरेट केक भी लेकर आया हूँ। लेकिन शाओ उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, और शाओ को समझ आ रहा था कि उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, क्योंकि जाओ में से बहुत ज्यादा ड्रिंक्स की स्मेल आ रही थी। फिर यहाँ पर शाओ कैसे तो करके उसे वहाँ से भगाती है। फिर जैसे ही वो अपना गाड़ी ओपन करने जाती है, पीछे से गू आ जाता है, और गू को देखकर वो मन ही मन मुस्कुराने लगती है। लेकिन दूसरे गाड़ी के पीछे से जाओ की गर्लफ्रेंड ये सब चीज देख रही थी, और उसकी आंखों में जलसी दिख रही थी और रिवेंज की खून। फिर यहाँ पर गू नेक्स्ट डे खाना देने खुद ब खुद आ जाता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी में सभी लोग परेशान होते हैं। साथ ही साथ उसका असिस्टेंट बोल रहा था कि आज तो वो आए ही नहीं, न जाने मुझे क्यों अजीब सा लग रहा है, क्योंकि कभी भी वो बिन बताए कहीं नहीं जाती और उनका फोन भी बंद आ रहा है। फिर सभी लोग मिलकर शाओ को ढूंढने लगते हैं, और फाइनली उन्हें शाओ की कार मिल जाती है, तो उन्हें लगने लगता है कि शाओ कहीं आसपास ही हो सकती है। फिर यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि जाओ की गर्लफ्रेंड और चार गुंडों के हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। फिर यहाँ पर शाओ सबको बताने लगती है कि ये लोग मुझे किडनैप करने आए थे, लेकिन मैंने इन्हें किडनैप कर लिया। अब तुम लोग यहाँ से देख लो, मैं जा रही हूँ कार में बैठने, मुझे बहुत धूप लग रही है। और हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग उसे किडनैप करने आए थे, लेकिन यहाँ पर जाओ के बॉडीगार्ड्स हमेशा उसके पीछे दूसरी कार में होते हैं, तो वो लोगों ने जाओ की जान बचा ली। इसके बाद में यहाँ पर गू जाओ की गर्लफ्रेंड को बोलने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी हो, मेरी फियांसे ने तुम्हें जैसा कहा है बस वैसा करो, और मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं गू कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, और तुमने अगर आज से ऐसा कुछ भी किया तो फिर तुम दोनों के दोनों जिंदा नहीं बचोगे। इसके बाद में शाओ और गू कार में बैठे होते हैं, जहाँ पर शाओ गू को बोलने लगती है कि तुम रोज रोज मुझे फ्लावर्स क्यों भेजते रहते हो, और लंच बॉक्स भी, तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम मेरे लिए लंच बॉक्स बना रहे हो। तो फिर गू से बोलता है कि क्यों तुम्हें वो पसंद नहीं आते। यहाँ पर शाओ उससे बोलने लगती है कि तुम अपने कंपनी में जाओ, तुम्हें काम पर नहीं जाना क्या। तो फिर गू बोलने लगता है कि नहीं, मैंने आज हाफ डे लिया है तो मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। इसके बाद में वो उसे बोलने लगता है कि क्यों ना हम लंच करने चले, मुझे कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है। तो फिर शाओ और वो लोग लंच करने चले जाते हैं। यहाँ पर शाओ के फेस पर कुछ लगा होता है, तो फिर गू उसे टिश्यू से पोंछने लगता है। फिर यहाँ पर शाओ जाने के लिए बोलती है, तो फिर गू से बोलने लगता है कि हाँ हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे ब्लॉक लिस्ट से हटाओ और मुझे अनब्लॉक करो, क्योंकि मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पा रहा हूँ और टेक्स्ट से मेरा मन भरता नहीं है। यहाँ पर शाओ बोलती है कि ठीक है, लेकिन अभी नहीं, जब मेरा मन करेगा तब मैं तुम्हें अनब्लॉक कर दूंगी। यहाँ पर फिर बाद में शाओ और इसके फ्रेंड ऑक्शन के लिए आते हैं, जहाँ पर इसकी फ्रेंड बोलती है कि हमें मास्टर क्यू की कैलीग्राफी वाली चीज़ लेनी ही होगी। और यहाँ पर साथ ही साथ मौजूद होता है गू और उसकी सिस्टर, और गू की सिस्टर बोल रही होती है कि हमें ग्रैंडपा के लिए मास्टर क्यू की कैलीग्राफी लेनी ही होगी। फिर यहाँ पर शाओ देख लेती है गू को, और उसे लगने लगता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है, जिस वजह से उन दोनों का झगड़ा हुआ था। यहाँ पर गू से बोलता है कि मैं तुम्हें ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन इतने में ही ऑक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ पर मास्टर के की वो कैलीग्राफी आ जाती है। फिर बाद में वो दोनों बेट्स लगाने लगते हैं और प्राइस हाई करते जाते हैं, और वो फाइनली मिल जाता है गू को। यहाँ पर गू किसी से बहुत खुश हो जाती है, और शाओ गुस्से में जाने लगती है, लेकिन गू से बोलने लगता है कि मैं तुम्हें ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो फिर गू उसे एक रूम में लेकर जाता है। यहाँ पर गू से बोलता है कि मैं जो कुछ भी कहूँगा तुम उसका यकीन करोगी। तो फिर शाओ बोलने लगती है कि हाँ, जो तुम कहोगे मैं उसे मान लूंगी, अनटिल एंड अनलेस वो कोई स्टोरी ना हो।
और यहाँ पर गु सच बोलने वाला था, लेकिन वह वापस से झूठ बोल देता है कि मेरी फैमिली कैलीग्राफी करती है तो हमें कुछ पैसे उससे भी मिल जाते हैं। यहाँ पर शाओ को गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसे कब से लग रहा था कि वो एक मेल मॉडल है, और शाओ को शर्मिंदगी भी महसूस होती है, तो शाओ वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। दूसरे दिन उसी रात के समय हम गु को टेरेस पर देखते हैं जो बहुत ड्रिंक कर रहा होता है, और फिर इतने में ही उसे उसका दोस्त का कॉल आता है जो उसे बोलने लगता है कि अब तो लाइट्स बंद कर दो, कब तक तुम्हारे घर की लाइट्स ऑन रहेंगी और कितना ड्रिंक किए जाओगे। यहाँ पर गु उसे कुछ बोलता नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट डे हम शाओ को देखते हैं जो अपने घर से निकलती है, तो वो देखती है कि उसके सामने वाले बंगलों में कोई तो शिफ्ट हो रहा है, तो फिर वो वहाँ के बॉडीगार्ड से पूछने लगती है कि यहाँ पर कौन आ रहा है, तो यहाँ पर वो बॉडीगार्ड बोलने लगता है कि यहाँ पर मिस्टर गु शिफ्ट हो रहे हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो सोच भी पड़ जाती है कि वर्ल्ड का रिचेस्ट इंसान यहाँ पर क्यों स्टे करने के लिए आया है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग गु मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है जहाँ पर वो जॉगिंग कर रहा होता है, और उसके सामने से आती है शाओ, तो वो अपना डायरेक्शन बदल देता है। शाओ यहाँ पर गु को देखकर सोचने लगती है कि मिस्टर गु इतना मास्क और ग्लासेस लगाकर क्यों रहते हैं, क्या वो इतने अगली दिखते हैं या फिर वो इतने शाय काइंड के पर्सन है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि गु के घर पे उसका फ्रेंड आता है, तो गु उसे अपनी बात बता रहा होता है, और वो उसे बोल रहा था कि मैं उसे सच्चाई बताने ही वाला था, लेकिन इतने में ही मैंने उसे कैलीग्राफी वाला झूठ बोल दिया, और कैलीग्राफी वाले झूठ से तो मानो वो मुझसे झगड़ा ही करने लगी, तो अगर मैं उसे रियल सच बता देता तो वो मेरा मुँह कभी भी नहीं देखती। यहाँ पर उसका फ्रेंड बोलता है कि कोई बात नहीं, अब तो तुम उसके बाजू में भी रहने आ गए हो, तो फिर आराम से अपना टाइम लो और आराम से उसे सेड्यूस करो, कोई घाई नहीं है, जितना धीरे धीरे जाओगी उतना रिलेशन तुम्हारा स्ट्रांग होता जाएगा। यहाँ पर रात का टाइम होता है जहाँ पर शाओ कॉल पे बात कर रही हुई जा रही होती है, और सामने से गु आ जाता है, तो उन दोनों की तकरार हो जाती है जहाँ पर शाओ को सर पर लगता है, तो गु उसके सर पर हाथ रखकर पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, और यहाँ पर शाओ शर्मा कर भाग जाती है। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग गु के डॉग को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा था, तो वहाँ की मेड उसे बोलने लगती है कि वो तो सामने वाले बंगलों में भाग गया है, और यहाँ पर शाओ उस डॉग को देख लेती है जिसे वो पेट करने लगती है। फिर यहाँ पर गु आ जाता है, तो फिर शाओ से बोलने लगती है कि मेरी मॉम को डॉग्स पसंद नहीं, इसलिए मैंने कभी डॉग को घर पर रखा नहीं, तो फिर गु उससे बोलता है कि तुम इसे कुछ दिनों के लिए रख सकती हो, फिर जब मन चाहे मुझे वापस देने है ना। फिर दूसरी ओर गु का असिस्टेंट आता है फ्लावर्स लेकर, जहाँ पर वो उसे पूछता है कि आपको लग रहा है कि आप सही कदम लेने जा रहे हो, तो फिर गु बोलता है कि हाँ मुझे खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस है। यहाँ पर भी हम शाओ को और गु को देखते हैं जो डिनर करने के लिए गए होते हैं, और यहाँ पर उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट डे वो लोग घर पर होते हैं जहाँ पर गु को पीठ पे चोट लगी होती है। इतने में ही शाओ को किसी का कॉल आता है, तो वो कॉल पर बात करने लगती है, और साइड बाय साइड गु एक्टिंग करने लगता है कि मानो जैसे उसके पीठ पर पहाड़ी टूट गया हो। इतने में ही उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं जो गु को वहाँ से भगा देते हैं, तो फिर शाओ से बोलने लगती है कि डैड मैं फ्रेंड से बना ही सकती हूँ, अब मैं एडल्ट हो चुकी हूँ और मैं मैच्योर भी हूँ। यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मा का बर्थडे आ रहा है, तो उनके लिए तुम कुछ गिफ्ट लेकर आना मेरी तरफ से। यहाँ पर शाओ गिफ्ट लेने जाती है, तो फिर एक लड़की बहुत दिखावा कर रही होती है, तो जितने भी बैग्स शाओ टच करती रहती है वो लड़की बोलने लगती है कि जितने भी बैग्स इस लड़की ने टच किए हैं वो सब के सब मुझे दे दो। फिर यहाँ पर उसकी फ्रेंड गुस्सा हो जाती है, लेकिन शाओ बोलने लगती है कि कोई बात नहीं उसे ले लेने दो। इसके बाद में वो सारी चीज़ें पैक हो जाती है, तो शाओ उस एम्प्लॉय को बोलती है कि मेरे लिए कोई हार्ट वाला पेंडेंट लेकर आओ। फिर वो हार्ट वाला पेंडेंट लेकर आती है जो 1 बिलियन का होता है। फिर यहाँ पर वो लड़की वापस से बोलने लगती है कि ये नेकलेस मैं लेना चाहती हूँ। फिर स्टाफ उसे देखने लगती है, तो वो लड़की बोलने लगती है कि जैसा मैं बोल रही हूँ बस वैसा ही करो। फिर यहाँ पर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। इतने में ही वहाँ पर गु आ जाता है जो उसे मना करता है ये सब करने, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि गु की कंपनी की डायरेक्टर हुआ करती थी लियो। फिर यहाँ पर शाओ को सारी सच्चाई पता चल जाती है कि उसका गु ही रियल मिस्टर गु है। फिर यहाँ पर शाओ नाराज होकर जाने लगती है। यहाँ पर गु उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शाओ तो उसके साथ बात करने के लिए भी रेडी नहीं थी। यहाँ पर गु उसे पकड़ता है, लेकिन शाओ अपना हाथ हटा देती है और उसे पैर पर जोर से किक मारकर अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है।
फिर यहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रही होती है और यहाँ पर उसका मेल फ्रेंड बोलने लगता है कि देखा, मुझे तो उसे देखकर पहले ही समझ में आ गया था कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। मैं तो तुम्हें हर बार बोलता आया हूँ लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है। फिर यहाँ पर बहुत सारे मेल मॉडल्स आ जाते हैं तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि शाओ, अब तुम इनमें से चूज कर सकती हो। और उन मेल मॉडल्स के बीच में आ जाता है गु, तो फिर शाओ नशे की धुत में उसे चूज कर लेती है और यहाँ पर वो बेहोश होने वाली होती है। फिर इसके बाद में गु उसे बेडरूम में लेकर जाता है और बोलने लगता है कि तुम ज्यादा ही बोल्ड और स्ट्रांग ही बनती जा रही हो। तो फिर शाओ बोलने लगती है कि मेरी जो मर्जी होगी मैं करूंगी और मैं तुमसे नाराज हूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। लेकिन यहाँ पर उन दोनों के बीच में रोमांटिक सीन बन जाता है। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं, साथ ही साथ वो लोग पूरी नाइट एक साथ स्पेंड भी कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शाओ उठती है वो वहाँ से भागने वाली होती है लेकिन वहाँ पर गु उसे पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर गु उसे बच्चों की तरह माफी मांगने लगता है और शाओ यहाँ पर उसे माफ कर देती है। और फाइनली गु अपनी फियांसे से मिलने चड्डियों में चला जाता है, यानी कि बच्चों जैसे शॉर्ट्स में। फिर यहाँ पर वह शाओ को बैठा हुआ देखता है तो फिर शाओ अपने फियांसे को कॉल लगाती है तो वो कॉल लग जाता है गु को। और यहाँ पर गु उसे अपनी फोटो दिखाता है उसके बचपन की और यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि उन दोनों की शादी तो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। फिर यहाँ पर वो सभी लोग उसके फैमिली मेंबर्स लंच करने के लिए आती है जहाँ पर शाओ के डैड गुस्सा हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि मैं उस मेल मॉडल के साथ तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। इतने में ही गु आ जाता है तो फिर शाओ अपने मॉम डैड की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देती है और उन सबको अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी बताने लगती है कि उसे भी किस तरह से मिसअंडरस्टैंड हुआ था। फिर यहाँ पर आ जाते हैं गु के पेरेंट्स और सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं और हंसी खुशी वो लोग लंच करने लगते हैं और साथ ही साथ शादी की डेट भी फिक्स कर रहे होते हैं। और यहाँ पर शाओ गु की सिस्टर से माफी मांगती है क्योंकि उसे पहले लग रहा होता है गु की सिस्टर ही उसकी रियल गर्लफ्रेंड है। फिर यहाँ पर वो दोनों कंपनी में एक मीटिंग करते हैं जहाँ पर वो लोग फिक्स कर लेते हैं कि तुम दोनों का एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन आने वाला है। तो उस कोलैबोरेशन के लिए एक बहुत बड़ा न्यूज़ रिपोर्टिंग पर्सन स्पॉन्सरशिप करता है जहाँ पर उन दोनों का इंटरव्यू होने वाला था। फिर यहाँ पर वो दोनों इंटरव्यू देने के लिए आ जाते हैं। फिर इंटरव्यू का एंड आ जाता है और इंटरव्यू के एंडिंग में गु शाओ के लिए एक बहुत बड़ा रेड रोजेस का बुके लाया होता है, साथ ही साथ में वो उसके लिए रिंग भी लाया होता है और वो उसे नीचे बैठकर रिंग के साथ प्रपोज कर देता है सभी के सामने। और ये सारी चीज मीडिया में रिपोर्टिंग पर्सन में फैल जाती है और नेक्स्ट डे न्यूज में भी आ जाती है। और यहाँ पर शाओ से हाँ बोल देती है, फिर बाद में गु से वो रिंग पहना देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।